चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाले हैं। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, स्किप ना करें। जस्ट तो स्थगित हुई परीक्षाएं 28 जुलाई से होगी। आपको बता दूं कि एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कि 20 से 27 तक समस्त परीक्षाएँ पोस्टपोन्ड की गई थी, तो अब उन सभी परीक्षाओं का कार्यक्रम रिवाइज्ड डेट शीट जारी कर दी गई है। तो छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सीजीएसयू से संबंध कॉलेजों में कई कोर्सों की स्थगित हुई परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित की गई है। कई कोर्सों की परीक्षा 28 से शुरू होगी, अभी कुछ परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। इन परीक्षाओं की तिथि कांवड़ यात्रा के चलते बदली गई है। जो परीक्षाएं अब घोषित की गई है उनमें LLB और LLM शामिल है। इसके अलावा MA, MSc, MCOM, ओल्ड कोर्स, BSc, AG, BSc होम साइंस शामिल है। इसके अलावा 20, 22 और 25 जुलाई की स्पेशल BEd की परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई है। उसके साथ ही 3 वर्षीय LLB की 20 और 22 जुलाई की स्थगित परीक्षाएं अब 28 और 30 जुलाई को होगी। पूरा परीक्षा कार्यक्रम CCSU की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। साथ में आपको बता दूं कि चुनौती मूल्यांकन का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। CCSU से संबंध कॉलेजों में मेडिकल के कई कोर्सों की परीक्षाओं का चुनौती मूल्यांकन का रिजल्ट जारी हो गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट देखा जा सकता है। आपको बता दूं कि इस साल रजिस्ट्रेशन की गति बहुत धीमी है, जिसमें कि पिछले साल के रजिस्ट्रेशन के मुकाबले इस वर्ष 10% रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए हैं। प्रोफेशनल में नहीं ले रहे इंटरेस्ट स्टूडेंट्स, बीते सोमवार के आंकड़ों के मुताबिक कुल 40,447 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इसमें से 32,900 छात्रों ने पेमेंट किया है। हालांकि 20 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते साल इस समय तक 80,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। रजिस्ट्रेशन धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस बार रिजल्ट की वजह से देरी हो रही है। प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में एक समान परीक्षा शुल्क का छात्रों ने स्वागत किया है। जनवरी में छात्रों ने BEd में सरकारी एवं निजी कॉलेजों में लिए जा रहे परीक्षा शुल्क का विरोध किया था। विश्वविद्यालय इससे संबंधित शुल्क भी ले रहा था। विश्वविद्यालय ने छात्रों का समान फीस लागू करने का प्रस्ताव खारिज करते हुए निजी कॉलेजों में BEd का परीक्षा शुल्क एडेड राज्य के कॉलेजों से अलग रखा था। निजी कॉलेजों में छात्रों से प्रतिवर्ष 6100 रुपये से 6500 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन सोमवार को शासन ने अपने फैसले से इस फीस का एक समान कर दिया है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि फीस माफी का प्रस्ताव अटका। विश्वविद्यालय द्वारा प्रोन्नत छात्रों से कोरोना काल में लिए गए परीक्षा शुल्क को समायोजित करने का प्रस्ताव अभी शासन तक नहीं पहुंचा है। अंकित अदाना ने इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय ने करीब 4 महीने पहले शासन को फीस समायोजन का प्रस्ताव शासन को भेजने का फैसला लिया था, लेकिन यह आज तक नहीं पहुँचा। अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसे ही सत्य और सटीक जानकारी आपको CCSU रिलेटेड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो मिलते हैं कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।